ऑसम। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है एंड आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी चाहिए। खास करके जो नए ट्रेडर अभी मार्केट में आ ही रहे हैं उन लोगों को नहीं आइडिया है कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए होता है, क्योंकि जब वो चार्ट पे जाते हैं तो अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। 1 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, मतलब इतने सारे टाइम फ्रेम भरे पड़े हैं। एक दिन से लेकर वीकली तक 1 ईयर तक के टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम मेरे लिए सही होगा, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सही होगा, वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज, ये जो सवाल है ना कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल गलत क्यों है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग बहुत तरह की होती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मार्केट में करने क्या आए हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मार्केट में आप करने क्या आए हो। अगर आपका विजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो वीकली होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करनी चाहिए। जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तब आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है एंड डेली टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करनी है, चार्ट एनालिसिस करनी है, जो भी आपका मतलब ट्रेड लेने का वो है तरीका, वो आपको डेली एनालिसिस करके, डेली चार्ट के ऊपर आपको देखकर एनालिसिस करके तब आपको ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप पैसे लगा रहे हो तब। एंड जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए, तो उस केस में आपको 1 आवर से लेकर 4 आवर्स तक का टाइम फ्रेम देखना है एंड ये टाइम फ्रेम देखना आपके लिए सही होगा स्विंग ट्रेड वालों के लिए। एंड जो लोग मेरी तरह इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे वालों के लिए, जो लोग सुबह पोजीशन कोई बना के शाम तक में उसको क्लोज करते हैं, तो उन लोगों के लिए 5 मिनट एंड 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। एंड जो उसके भी एक लेवल नेक्स्ट का है, जो स्कैल्पिंग होती है, जैसे जिसको माइक्रो इंट्राडे भी बोलते हैं, तो अगर वो करता है कोई बंदा, ठीक है, जैसे 10 मिनट 5 मिनट के लिए कोई ट्रेड लेता है, तो उसके लिए 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है स्कैल्पर के लिए, जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप मार्केट में करने क्या आए हो, आप मार्केट में करना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से आपको जो मैंने अभी टाइम फ्रेम सब बताए ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप मेरी बातें बताई हुई आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। वेल, आप क्या करने वाले हो मार्केट में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंट्राडे के बारे में ना मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, काफी सारे नए लोग हैं उनको नहीं पता इंट्राडे क्या है, कैसे काम करता है, तो उनके लिए ये वाली वीडियो है। इस वीडियो पे जाकर जरूर क्लिक करके पूरी वीडियो देखें, इंट्राडे के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।